फ्रेंड्स, देखिएगा एक क्वेश्चन है ये कि एक क्यूब है, अ क्यूब ईच ऑफ साइड, थ्री क्यूब्स ईच ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर आर ज्वाइन एंड टू एंड। तीन क्यूब हैं, हर एक की साइड 5 सेंटीमीटर, उनको मिला के रख दिया गया है। द सर्फेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, तो इससे जो क्यूबॉइड बना हमें उसका सर्फेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीन क्यूब जब मिलाए गए तो एक क्यूबॉइड बना है। तो देखिए इस क्यूबॉइड की लेंथ कितनी हो गई, 5, 5, 5, 15। ब्रेथ कितनी हो गई, 5। और हाइट कितनी हो गई, 5। जब हमें एल, बी, एच तीनों चीज़ें पता हैं तो हम क्या करेंगे, आप क्यूब का सर्फेस एरिया निकालना। सर्फेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है क्यूब के, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द सर्फेस एरिया ऑफ द क्यूब, देखिए क्या फॉर्मूला होता है, 2lb + bh + hl। ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को हमने अप्लाई करा, यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करी और हमारे पास आंसर कितना आया, 315 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस क्यूब का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाई अ हॉलो सिलेंडर। कह रहा है एक बर्तन है जिसमें एक हॉलो हेमिस्फेयर है, नीचे एक हेमिस्फेयर है जिसके ऊपर एक सिलेंड्रिकल शेप का ऑब्जेक्ट रखा गया है। तो इस तरीके से एक वेसल बन गया, अ हॉलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाई अ हॉलो सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13। देखिए, अब देखिए क्योंकि सिलेंडर को हेमिस्फेयर के ऊपर रखा गया, तो जो डायमीटर हेमिस्फेयर का होगा वही सिलेंडर का होगा, यानी कि जो रेडियस हेमिस्फेयर की है वही सिलेंडर की कितनी है, 7। टोटल हाइट कितनी है, 13। 13 में से 7 माइनस कर दिए तो सिलेंडर की हाइट कितनी बची, 6। तो ये सारी वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली। अब देखिए, जब हम इस बाउल को बाहर से देख रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या करेंगे हम, दोनों का कर्व सरफेस एरिया निकाल के ऐड करेंगे फाइंड आउट करके, तो हमें पूरे वेसल का सरफेस एरिया पता चल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए क्या करा हमने, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, 2πr² 2πr² कितनी है, 7। वैल्यू पुट करी कितना आया, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल हाइट कितनी है वेसल की, 13 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर की हाइट कितनी होगी, टोटल हाइट में से हेमिस्फीयर की हाइट हमने माइनस कर दी, कितनी बची, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जितना सिलेंडर की रेडियस थी उतनी हेमिस्फीयर की, जैसे कि मैंने पहले बताया, तो इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, 2πr h। 2πr h क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना आया, 264। तो देखिएगा, अब मेरे पास एक वैल्यू आ गई 264 और एक वैल्यू आ गई 308। अब आगे का सॉल्यूशन आप खुद कर सकते हैं, क्या करना है मुझे, इन दोनों सरफेसेस एरिया को 308 और 264 को ऐड करना है, यानी कि 308 + 264 कितना आएगा, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच विल बी द सरफेस एरिया ऑफ गिवन सॉलिड। यानी इस पूरे सॉलिड का जो आपके सामने फिगर बनी है, इसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर।